फुकरे इंसान और एल्विश यादव में आई दरार। अभिषेक ने लगाए गंभीर आरोप। अभिषेक ने आखिर क्यों खुद को बताया विलेन। बिग बॉस ओटीटी 2 में डबल एलिमिनेशन के बाद अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है, वह एल्विश यादव और फुकरा इंसान की दोस्ती में दरार आ गई है। जी हाँ, फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान ने तो एल्विश यादव पर नेगेटिव पीआर का आरोप तक लगा डाला है। अभिषेक के आरोप सुनने के बाद एल्विश यादव ने अपने दिल की बात जिया शंकर के सामने रखी है और कहा कि उन्हें आज तक इस शो में सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लगा है। बिग बॉस ओटीटी 2 वीकेंड कवार एपिसोड में सलमान खान ने पहले तो अभिषेक मल्हान की क्लास लगाई और फिर अभिषेक और उनकी माँ की बातचीत की फुटेज पूरे घर के सामने चला दी। सलमान खान के जाने के बाद अभिषेक अपनी दोस्त मनीषा और जिया के सामने बैठकर कहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि वे इस शो के विलन हैं। फिर अभिषेक एल्विश से कहते हैं कि मुझे पता लगा है कि तुम्हारी टीम मेरा नेगेटिव पीआर कर रही है और यह बात तुम्हें भी पता है। यह सुनकर एल्विश दंग रह जाते हैं और अपनी सफाई देते हैं और कहते हैं कि वे ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। अभिषेक मल्हान साथ ही कहते हैं कि लेकिन मैंने यह यकीन नहीं किया क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से चीज़ें देखना चाहता था। फिर एल्विश कहते हैं कि तुम मेरे साथ शुरू से हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। एल्विश यादव अभिषेक की इस बात को सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं और यही बात जिया शंकर के सामने कहते हैं कि उन्हें आज तक इस शो में इतना बुरा नहीं लगा था। आखिर वह कैसे सोच सकता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिया शंकर एल्विश की बात सुनने के बाद कहती है कि उन्हें अभिषेक से बैठकर सारी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि बिग बॉस ओटीटी 2 में आखिरकार कौन विनर बनकर बाहर आता है और कौन इस शो में हार मानता है।